प्रादेशिक नियोजन में प्रदेश की संकल्पना का वृहत उपयोग किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन में प्रदेश की संकल्पना केंद्रीय भूमिका निभाती है। प्रदेश के विभिन्न प्रकारों की चर्चा आज हम करेंगे। कोई प्रदेश पृथ्वी के धरातल का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें चुने गए लक्षण या आधारों की समरूपता पूर्ण वितरण पाया जाता है। ये लक्षण स्वरूप से संबंधित हो सकते हैं, जैसे मैदानी प्रदेश या नदी घाटी प्रदेश। प्रदेश का रूप क्रियात्मक भी हो सकता है, जैसे डेयरी फार्मिंग प्रदेश इत्यादि। कृषि प्रदेश, डेयरी फार्मिंग प्रदेश। सीमांकित किए गए प्रदेश में अपनी एक अनूठापन या विशिष्टता होती है। प्रदेशों का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले जो आते हैं, हम उनमें एक लक्षण वाले प्रदेश और संयुक्त प्रदेश को लेंगे। भूगोल में अध्ययन की विधि को लेकर एक लंबे समय से द्वैतवाद प्रचलित रहा है। क्रमबद्ध विधि के अंतर्गत किसी एक भौगोलिक तथ्य को लेकर विस्तृत विश्लेषण अध्ययन किया जाता है। जिस भी तथ्य का अध्ययन किया जाता है उसके स्थानिक वितरण एवं अंतर संबंधों को दिखलाने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मानचित्र एकल लक्षण वाले प्रदेश या सिंगल पर्पज सिंगल फीचर रीजन्स कहलाते हैं। विभिन्न मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, धरातल प्रदेश, नगरीकरण को स्तर को दिखाने वाले प्रदेश, जनसंख्या घनत्व के प्रदेश, ये सभी एकल लक्षण प्रदेश के उदाहरण हैं। इनमें एक ही तत्व को लिया जाता है एक बार में। एकल लक्षण वाले प्रदेशों के विपरीत जब कोई भूगोलवेत्ता एक से अधिक लक्षणों को आधार बनाकर उनके अंतर संबंधों उन तथ्यों के अंतर संबंधों और वितरणों का प्रारूप समझने का प्रयास करता है तो वह बहु लक्षण वाले प्रदेश बनाता है। जैसे चावल कृषि के वाले मानसूनी जलवायु के प्रदेशों को सीमांकित किया जाए तो जिन जिन प्रदेशों में चावल कृषि होती है और जहाँ जहाँ मानसून की जलवायु है वहाँ ये दोनों तथ्य जाए समान रूप से पाए जाएंगे, वहाँ पर ये प्रदेश पाया मौजूद होगा। भौगोलिक प्रदेश भौगोलिक अध्ययन की दूसरी जो विधि है वो प्रादेशिक विधि है। एक क्रमबद्ध विधि थी, एक प्रादेशिक। इस विधि में संपूर्ण प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों के संयोजन से बने अनूठे प्रदेशों की पहचान की जाती है। ऐसे सकल प्रदेश यानी टोटल रीजन, मिश्रित प्रदेश या कॉम्पोजिट रीजन्स कहलाते हैं। भूगोलवेत्ता इसे परंपरागत रूप से भौगोलिक प्रदेश की संज्ञा भी देते हैं। ऐसे प्रदेशों में सभी प्राकृतिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक तथ्यों को शामिल किया जाता है। एक विद्वान हुए हैं रोजर मिंशुल, उन्होंने सकल अथवा भौगोलिक प्रदेश की अध्ययन विधि में कुछ संशोधन का सुझाव दिया और कहा कि भौगोलिक प्रदेश की स्थान पर हमें कॉम्पेज नाम के प्रदेश बनाने चाहिए। उनका मानना था कि किसी प्रदेश की विशिष्ट पहचान विकसित करने में सभी भौगोलिक तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होते, इसलिए भौगोलिक प्रदेश में बहुत से अनावश्यक प्राकृतिक सांस्कृतिक तथ्यों को न लेकर उन्हीं आवश्यक तत्वों को लिया जाना चाहिए जो उस प्रदेश को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। तो ऐसा चयनित आधार पर बनाया गया प्रदेश सकल प्रदेश न होकर, भौगोलिक प्रदेश न होकर कॉम्पेज प्रदेश होगा, ऐसा रोजर मिंशुल ने कहा। दूसरा जो है वर्ग है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रदेश। भौगोलिक तत्व
वे सभी तत्व होते हैं जो पृथ्वी के धरातल पर स्थानिक परिवर्तनशीलता दिखाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक सांस्कृतिक। जब धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि को आधार बनाकर प्रदेश बनाए जाएं, जैसे धरातलीय प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मिट्टी प्रदेश, तो हम एकल लक्षण आधारित प्राकृतिक प्रदेश प्राप्त करते हैं। सभी प्राकृतिक तत्वों को एक साथ लेने पर हम सकल प्राकृतिक प्रदेश, या जिसे भौतिक प्रदेश भी कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मानव से जुड़ी विशेषताएं, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सभी विशेषताओं को हम एकल रूप में या सकल रूप में लेने पर ऐसे जो प्रदेश बनते हैं उनको सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं, मानव से जुड़े प्रदेश हो गए। तीसरा प्रदेश है स्वरूपी या आकृतिक प्रदेश एवं क्रियात्मक प्रदेश। स्वरूपी प्रदेश या आकृतिक प्रदेश को फॉर्मल रीजन भी कहा जाता है, जो कि चयनित लक्षणों के आधार पर, जो भी चयनित आधार हैं, लक्षण हैं, वो समान वितरण दिखाएं, समरूपी वितरण दिखाएं, तो ऐसे प्रदेश को आकृतिक प्रदेश कहा जाएगा। इन प्रदेशों के सीमांकन के लिए भौतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कोई भी लक्षण को लिया जा सकता है। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव से जुड़े भी। स्वरूपी प्रदेश का सीमांकन चयनित लक्षणों की समरूपता के आधार पर किया जाता है। समरूपता होनी चाहिए, ये मेन तथ्य है, मेन आधार इन प्रदेशों के सीमांकन का समरूपता। उदाहरणतः धरातल या जलवायु की समरूपता के आधार पर हम प्राकृतिक प्रदेश प्राप्त करेंगे, जैसे धरातलीय प्रदेश या जलवायु प्रदेश, ये सब आकृतिक या स्वरूपी प्रदेश का उदाहरण है। मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य भी ले सकते हैं, जैसे आर्थिक समरूपता, प्रति व्यक्ति आय के स्तर, कृषि या औद्योगिक उत्पादन की समरूपता, तो ये आर्थिक प्रदेश बन जाएंगे। तो आकृतिक प्रदेश भौतिक या प्राकृतिक आधार या सांस्कृतिक आधार लेकर किसी भी रूप में बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो स्वरूप है वो क्रियात्मक प्रदेश है। ये एक ऐसे प्रदेश होते हैं जिसमें विभिन्न स्थानों के मध्य परस्पर निर्भरता दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे कई बार केंद्र आधारित नोडल रीजन या ध्रुवीकृत प्रदेश, पोलराइज्ड रीजन भी कहा जाता है। क्रियात्मक प्रदेश विभिन्न प्रकार की इकाइयों, जैसे शहर, कस्बा, गांव आदि को मिलाकर बनता है। सभी विषम यानी कि अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ आपस में क्रियात्मक कार्यों के द्वारा क्रियात्मक रूप से जुड़ी होती है, इसलिए ये क्रियात्मक प्रदेश है। इन इकाइयों के बीच पाए जाने वाले ऐसे क्रियात्मक संबंधों को विभिन्न प्रकार के प्रवाहों के आधार पर पहचाना जा सकता है, जैसा दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर या हर रोज शहर में आने वाले दुग्ध की आपूर्ति, सब्जी की आपूर्ति, शहर से अखबारों की आपूर्ति चारों ओर के प्रदेश को। तो इस प्रकार के जो वस्तुओं के या मानव के जो प्रवाह है वो क्रियात्मकता को दर्शाते हैं, और ऐसी क्रियात्मकता जितने क्षेत्र में पाई जाती है, क्रियात्मक परस्पर जुड़ाव जो पाया जाता है वो क्रियात्मक प्रदेश निर्धारित करता है। एक विद्वान हुए पैट्रिक गेट्स, उनके द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश या सिटी रीजन की अवधारणा ऐसे ध्रुवीकृत या केंद्र आधारित या क्रियात्मक प्रदेश का सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला प्रकार या स्वरूप है। अगला जो प्रदेशों के प्रकार का जो वर्ग है वो है सामान्य एवं विशिष्ट प्रदेश। सामान्य प्रदेश को जातीय प्रदेश भी कह देते हैं, जेनरिक रीजन। भूतल पर विभिन्न प्रकार के तत्वों के सामान्य अथवा सरल वितरण पर आधारित होते हैं। इन प्रदेशों के निर्धारण में जो बेस या आधार लिए जाते हैं उनका उपयोग करते हुए उस
प्रदेश विशेष से समरूपता रखने वाले विश्व के अन्य प्रदेशों को भी उसमें शामिल किया जाता है। जैसे मान लो हम जब भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें, मेडिट्रेनियन, ये मुख्यतः इस ऐसे प्रदेश दक्षिणी यूरोप में है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भी है, दक्षिणी अमेरिका में चिली में भी है, अफ्रीका के सुदूर दक्षिण में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये सभी प्रदेश सामान्य प्रदेश होंगे। सामान्य इन सभी प्रदेशों को एक साथ लेंगे तो सामान्य भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं। दूसरा वर्ग है विशिष्ट प्रदेश, स्पेसिफिक रीजन्स। इन प्रदेशों का निर्माण विशिष्ट तत्वों के संयोजन से होता है। कोई विशिष्ट प्रदेश एक खास नाम, आकार, आकृति, बनावट या प्रारूप लिए हुए होता है। जैसे कैलिफोर्निया की घाटी एक विशिष्ट प्रदेश है। कैलिफोर्निया की घाटी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश तो है, लेकिन वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का एक विशिष्ट प्रदेश है। सामान्य नाम नहीं लिया हमने भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, हमने कह दिया कैलिफोर्निया की घाटी। तो ये भी एक भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, लेकिन एक विशिष्ट क्षेत्र में है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये विशिष्ट प्रदेश का उदाहरण हो गया, है ना। फिर जो पांचवा जो प्रदेश है का स्वरूप है वो है नियोजन प्रदेश। ऐसे प्रदेश किसी प्रशासन अथवा संगठन द्वारा बनाए जाते हैं, अल्पकाल के लिए बनाए जाते हैं। इनका गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति होने पर इन प्रदेशों का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रदेशों के निर्धारण में प्रशासनिक सुविधा मुख्य कारक होती है, क्योंकि विकास की योजनाओं के लागू करने में प्रशासनिक सीमाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कि प्रशासनिक सीमाओं के अनुसार ही योजनाएं क्रियान्वित होती हैं और प्रशासनिक सीमाओं के अनुसार ही है ना हमें विभिन्न आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग करके हम योजनाएं बनाएंगे। तो इसलिए प्रशासनिक सीमाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आमतौर पर नियोजन प्रदेश प्रशासनिक सीमाओं के अनुसार ही बनाए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि नियोजन प्रदेश के सीमांकन में प्राकृतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों की समरूपता, जिन्हें हम स्वरूपी प्रदेश कहते हैं, या विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर संबंध जो क्रियात्मक प्रदेश को लेते हैं, उनको पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया जाए। कोई प्रदेश की जो स्वरूपी प्रदेश के रूप में मौजूद है या क्रियात्मक प्रदेश के रूप में मौजूद है, तो नियोजन प्रदेश की सीमांकन में निर्धारण में उन विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ज़रूरी होता है उन विशेषताओं को ध्यान में रखना भी।